हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्निंग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं, गा, गी, गे। जैसे कि मैं घर जाऊंगा, राम खाना खाएगा। इस प्रकार से कुछ शब्द आते हैं, लास्ट में आता है गा, गी, गे। इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दो हैं, विल और शैल। देखिए, पहले हम दोनों को लगाते थे, आई और वी के साथ में हम शैल का प्रयोग करते थे और बाकी अन्य सब्जेक्ट्स के साथ में हम विल का प्रयोग करते थे। लेकिन अब हम यहाँ पर केवल विल का प्रयोग करेंगे, केवल विल का, सेल का प्रयोग नहीं करेंगे। सेल का जो प्रयोग है वो केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ परमिशन मांगने के लिए किया जाएगा। पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर परमिशन मांगने के लिए हम प्रयोग करेंगे और वहां पे सब्जेक्ट होंगे केवल आई और वी। जैसे कि शैल वी स्टार्ट, शैल वी गो, शैल वी डू दिस वर्क। इस प्रकार से कुछ शब्द होते हैं, वहाँ पर हम केवल परमिशन मांगने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही सेल का प्रयोग करेंगे, अन्यथा सेल का प्रयोग नहीं करेंगे। सेल का अगला जो प्रयोग है वो मॉडल के रूप में हम करते हैं, जहाँ पर हमें धमकी देनी हो, आदेश देना हो, वहाँ पर सेल का प्रयोग होता है, अन्यथा सेल का प्रयोग नहीं होता है। जनरली हम इसको छोड़ के चलते हैं। मेन वर्ब जो है यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो नेचुरल वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है और उसी का हम डायरेक्ट प्रयोग करते हैं। विल के तुरंत बाद हम प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्यों में सब्जेक्ट के तुरंत बाद में लगाएंगे हम विल, फिर उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर बचा कुचा जो भी है वो सब जोड़ देंगे। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, विल और फिर इसके बाद में यहाँ पर रखेंगे हम नॉट को, नॉट को रखेंगे हम विल के तुरंत बाद। फिर देखिए फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आ रही है नॉट के बाद में। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए हमने यहाँ पे विल और सेल दोनों का प्रयोग किया है, क्योंकि जिन वाक्यों में, जैसे कि मैंने पहले ऊपर बताया था कि यदि सब्जेक्ट आए और वी हो, यदि सब्जेक्ट आए और वी हो तो वो, और हमें परमिशन मांगनी हो या पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम आए और वी के साथ में सेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही हम केवल सेल का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और बाकी कुछ जो भी है वो, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर हम सबसे पहले विल को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये हैं एडवर्ब्स, सून जल्दी, वेरी सून बहुत जल्दी, देन तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि देन आई विल कॉल यू, टुमारो आने वाला कल, डे आफ्टर टुमारो परसों, आने वाला परसों। देखिए यहाँ पे द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर, द नेक्स्ट आवर, द नेक्स्ट मिनट, इसी प्रकार से द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग
आवर, अपकमिंग डे, अपकमिंग वीक, अपकमिंग मंथ, अपकमिंग ईयर, अपकमिंग आवर, अपकमिंग मिनट, अपकमिंग टाइम, ये सभी हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के एडवर्ब्स। अब हम देखते हैं इसके कॉन्ट्रैक्शंस। जनरली फॉर्मल जो सेंटेंस होते हैं वहां पर कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग हम नहीं करते हैं, मतलब हम शब्दों को संकुचित नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनाएंगे जबकि हमारे सेंटेंस फॉर्मल होंगे। अब ये फॉर्मल सेंटेंस है, देखिए, डॉक्टर अनिल विल स्पीक एट द कॉन्फ्रेंस, द मैनेजर विल नॉट सबमिट द रिपोर्ट। जहाँ पर हम फॉर्मली या ऑफिशियल कुछ बात करते हों तो उस स्थान पर हम कॉन्ट्रैक्शन का उपयोग नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन का उपयोग केवल इनफॉर्मल सेंटेंस में किया जाएगा जहाँ पर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे आदि हों। देखिए, आई विल बी ऑन टाइम। अब हमने यहाँ पर इस स्थान पर कॉन्ट्रैक्शन का उपयोग किया है। देखिए किस प्रकार से करते हैं, जब हम विल या शैल दोनों को ही आई के साथ में जोड़ते हैं तो हम ये जो शब्द हैं डब्ल्यू आई इसको हटा देंगे, इधर से एस एच ए इसको हटा देंगे, और अब यहाँ पे क्या बचा डबल एल, यहाँ पे क्या बचा डबल एल, तो हम आई के बाद में एक अपोस्ट्रोफी लगाते हैं और इस डबल एल को यहाँ पे लिखते हैं, तो ये आई प्लस विल ये बन गया आइल। इसी प्रकार से विल प्लस नॉट नेगेटिव सेंटेंस में उपयोग होता है नॉट का, तो हेल्पिंग वर्ब विल प्लस नॉट ये मिलके बनते हैं वांट। वांट नहीं बोलना है, इसको बोलते हैं वांट। शैल प्लस नॉट ये मिलके बनते हैं शांट। अब देखिए ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो कि हमने बनाए हैं। अब इनके साथ में हम किस प्रकार से वाक्य बनाते हैं, आई विल बी ऑन टाइम, विल बी ऑन टाइम, यू विल बी ऑन टाइम, ही विल बी ऑन टाइम, शी विल बी ऑन टाइम, इट विल बी ऑन टाइम, दे विल Be on time। अब नेगेटिव सेंटेंस देखिए, I won't be late, We won't be late, You won't be late, He won't be late, She won't be late, It won't be late, They won't be late। जनरली ये कुछ वर्ब्स हैं कॉल, टॉक, सी, इनके साथ में हम जनरली इस कॉन्ट्रैक्शन का उपयोग करते हैं, जैसे आई विल कॉल यू लेटर, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर, विल सी यू लेटर। नाउ लेट सी व्हेन एंड वेयर वी विल यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सी, हमने यहाँ पे ये पहले आपको बताया है, जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया था उस टाइम पे भी यही स्ट्रक्चर आपको बताई थी। फ्यूचर दो प्रकार का हो सकता है, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। जब फॉर्मल है तब तो हमें यहाँ पर विल का प्रयोग करना ही है, विल मतलब फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट, जैसे कि आई विल मीट सी एम टुमारो, ये फॉर्मल सेंटेंस है। अगर इनफॉर्मल है तो हम यहां पे दो कंडीशन देखते हैं, क्या एक्शन प्लान्ड है या अनप्लान्ड है। प्लान्ड पहले से प्लानिंग की हुई है, अनप्लान्ड कोई प्लानिंग नहीं है। अगर अनप्लान्ड है तो हम विल का उपयोग करेंगे, जिसकी ओके आई विल मीट अरुण टुमारो।
ओके कहने से सहमति हो रही है और टुमारो कल का टाइम दिया जा रहा है। सहमति है इसका मतलब ये एक्शन अनप्लान्ड है। अनप्लान्ड की कंडीशन में हम प्रयोग कर रहे हैं और विल का। देखिए जब प्लान्ड है तो हम यहां पर तीन प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं प्लान्ड में। देखिए पहला होता है गोइंग टू का प्रयोग। गोइंग टू का प्रयोग होता है वेरी नियर फ्यूचर को दर्शाने के लिए। वेरी नियर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम प्रयोग करते हैं वेरी वेरी नियर। बहुत बहुत समीप का जो फ्यूचर है उसको दर्शाने के लिए हम प्रयोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। एंड वेरी नियर फ्यूचर उसको दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं मोस्टली गोइंग टू का। गोइंग टू इज स्ट्रिक्टली प्लान्ड एक्शन। गोइंग टू इज स्ट्रिक्टली प्लान्ड। बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ में जब कोई काम किया जाता है तो वहां पर गोइंग टू का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज जब हम बहुत निकट भविष्य की बात कर रहे हैं, जैसे कि इन द इवनिंग आई एम गोइंग टू मार्केट। देखिए एक और है यहां पे शेड्यूल्ड रूटीन या शेड्यूल्ड, जो कि पहले से निश्चित होता है और रोजाना वही दैनिक घटनाक्रम होता है, लेकिन आज वो अभी तक नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद होने वाला है। तो वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं शेड्यूल्ड एक्शन के लिए, लेकिन उससे दर्शाया जाता है फ्यूचर। तो फ्यूचर को दर्शाने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि एक्शन शेड्यूल्ड हो, पहले से निश्चित हो, एक निश्चित समय पर होने वाला हो, सारणीबद्ध हो, समयबद्ध हो। जैसे कि ट्रेन विल डिपार्चर एट 1 o'clock एट नून। अभी मॉर्निंग टाइम है और ट्रेन दोपहर 1 बजे यहां से रवाना होगी। तो दोपहर तो अभी आया नहीं है, ठीक है। तो फिर हम इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं कि ट्रेन डिपार्चर्स एट 1 o'clock एट नून। डिपार्चर्स मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं इसके कुछ रियल लाइफ यूजेज, कहां कहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले फॉर्मल सेंटेंस में, जैसे कि हमने यहां पर भी बताया है फॉर्मल में हम प्रयोग करते हैं विल का। तो फॉर्मल में हम प्रयोग करेंगे विल का। द सेरेमनी विल बिगिन एट 8 PM। प्लान्ड एक्शंस जब भी हों, प्लान्ड हों लेकिन फॉर्मल हैं। देखिए प्लान्ड तो हैं लेकिन फॉर्मल एक्शंस हैं। डॉक्टर विल सी यू एट 3 PM। डॉक्टर के मैनेजर ने बोला, डॉक्टर के जो असिस्टेंट है उसने बोला कि डॉक्टर विल सी यू एट 3 PM। प्लान्ड है लेकिन फॉर्मल है, तो उस कंडीशन में भी हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। बिजनेस में जब हम किसी फ्यूचर की बात की जा रही हो, जैसे कि जियो विल ओपन ए न्यू स्टोर हियर, कि जियो कंपनी यहां पर एक नया स्टोर खोलेगी। प्रिडिक्शन, ये सेंटेंस याद है 12th क्लास को, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, द टाइगर किंग में से है ये। फिर उसके बाद में वो एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन करते हैं, द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। तो प्रिडिक्शन करने के लिए भी हम यहां पर विल का प्रयोग करते हैं। अनप्लान्ड एक्शंस जितने भी हैं वहां पर हम प्रयोग करेंगे विल का, जैसे कि हमने यहां पर भी बताया है अनप्लान्ड एक्शंस में हम प्रयोग करते हैं विल का।
हे आई विल ड्रॉप यू देयर, ऑर्डरिंग, ऑर्डर करने के लिए, जब हम किसी कॉफ़ी या कॉफ़ी रेस्टोरेंट या फिर पिज्जा रेस्टोरेंट में खड़े होते हैं और हम वहाँ पर ऑर्डरिंग टेबल जो है उसके सामने खड़े होते हैं, वो व्यक्ति कहते हैं सर व्हाट विल यू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो हम वहाँ पर सिंपली कहते हैं आई हैव कोल्ड कॉफ़ी विथ फ्रेंच फ्राइज, मैं फ्रेंच फ्राइज के साथ में कोल्ड कॉफ़ी पसंद करूँगा। प्रॉमिस करने के लिए यस आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो, मैं तुम्हारी पुस्तक कल लौटा दूंगा, आई प्रॉमिस आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो, तो प्रॉमिस करने के लिए भी हम विल का प्रयोग करते हैं। ऑफरिंग, कुछ हम ऑफर करते हैं तो उस स्थिति में भी आई विल हेल्प यू फिनिश द रिपोर्ट, यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट को जो फिनिश करने में तुम्हारी सहायता करूँगा। पॉसिबिलिटी यस, यहाँ पर हम मे बी का जब प्रयोग करते हैं तो हम पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, मे बी यानी संभवतः, तो संभवतः मतलब पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, और उस कंडीशन में भी हम यहाँ पर विल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम मे बी का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे मे एंड माइट का, बट यदि हमने मे बी का प्रयोग कर दिया है तो हम यहाँ पर विल का प्रयोग कर सकते हैं। आई विल टेक ए ब्रेक एंड वॉच ए मूवी टुनाइट, एंड वॉच ए मूवी टुनाइट, मे बी आई विल टेक ए ब्रेक एंड वॉच ए मूवी टुनाइट, हो सकता है आज मैं अवकाश ले लूं और रात में मूवी देखूं। ये कुछ एक्सरसाइज हैं, एक वाक्य देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैं कल विद्यालय जाऊंगा। अब इस वाक्य को अपन कैसे बनाते हैं, देखिए जाऊंगा, वाक्य लास्ट में लिखा हुआ है गा, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अब यहाँ पे इस वाक्य को देखते हैं, यहाँ पे मैं ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है, पहला शब्द है मैं, ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे वर्ब भी अपन को पहचाननी होगी, तो देखिए ये है यहाँ पे वर्ब। अब इसके बाद में अब इसको बनाना शुरू करते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में हमें पता ही है, विल का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट का मैं, मैं के लिए हमने प्रयोग किया आई। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, फिर इसके बाद में मेन वर्ब जाना, जाऊंगा, जाना, तो हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे गो का, टू स्कूल, कहाँ जाऊंगा, विद्यालय के लिए, टू स्कूल, और अब एक लास्ट शब्द जो बचा हुआ है कल, उसके लिए टुमारो, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। देखिए यहाँ पर विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, गो मेन वर्ब है, और ये टू स्कूल टुमारो ये बाकी के अन्य शब्द हैं। अब हम इसका एक नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है मैं कल विद्यालय जाऊंगा, नेगेटिव सेंटेंस है मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। देखिए यहाँ पर हम नहीं का प्रयोग कर रहे हैं, तो जब इसको बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आए, फिर इसके बाद में हम प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल का, फिर इसके बाद में नहीं, नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब गो, इसके बाद में टू स्कूल टुमारो, ये जो कुछ ऊपर था वो कि वही हम सेम नीचे लेके आ रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो मेन चेंज जो होते हैं वो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में होते हैं, सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है एक्चुअली में, सब्जेक्ट का स्थान परिवर्तित हो सकता है इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर केवल, तो हमने यहाँ पर केवल नॉट का प्रयोग किया है। अब अगला वाक्य देखते हैं, यह है इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं कल विद्यालय जाऊँगा, ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसी का इंटरोगेटिव बनाया है हमने। अब देखते हैं यहाँ पर हम विल का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले जाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में,
फिर इसके बाद में हम सब्जेक्ट आई का प्रयोग करते हैं, इसके बाद में मेन वर्ब गो, फिर जो बचा हुआ है मेन वर्ब के बाद में वो सब कुछ हम यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का हिंदी में पता चलता है कि वाई के प्रारंभ में आता है क्या, ठीक है। देखिए वाई के प्रारंभ में आएगा क्या, और वे वाक्य जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं वो सभी वाक्य इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे वाक्य के स्टार्टिंग में है हेल्पिंग वर्ब। अब अगला देखते हैं, इसी का है, ये दोनों है, इंटरोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, क्या मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। इसमें जो ये जो क्या शब्द है ये सबसे पहले आ रहा है, इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नहीं यहाँ पर बीच में आ रहा है, नहीं भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो हम इसको बनाते हैं, सबसे पहले हम विल को रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट आई, फिर इसके बाद में नॉट, नॉट को रखा है, और नॉट के साथ में हमने हेल्प मेन वर्ब गो को रखा है। विल आई नॉट गो टू स्कूल टुमारो। देखिए विल आई नॉट गो टू स्कूल टुमारो, ये कुछ वाक्य हैं, इनको भी देख लेते हैं। क्या वह संदूक खोलेगा, देखिए यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या सबसे पहले लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब हमने क्योंकि वाक्य लास्ट में लगा हुआ है, गा गी के गा लगा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो हम हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे। वह के लिए हमने प्रयोग किया ही, खोलना खोलेगा, खोलना मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है खोलना, ओपन, और संदूक के लिए द बॉक्स, और सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा वाक्य देखिए, क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं करोगे, क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं करोगे, विल यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क। देखिए क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ था इसलिए हम यहाँ पर भी नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। ये वाक्य सेकंड नंबर जो वाक्य है ये इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों है। तीसरा वाक्य देखिए, दावत रात 8 बजे प्रारंभ होगी, और रात की दावत को हम बोलते हैं डिनर, डिनर विल स्टार्ट एट 8 PM। वह मूवी नहीं देखेगा, ये कैसा वाक्य है, नेगेटिव है। वह ही, इसके बाद में कर्ता आ गया ही, इसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद में मेन वर्ब लगाएंगे देखना, देखना के लिए हमने वॉच का प्रयोग किया है, अ मूवी, ही विल नॉट वॉच अ मूवी। स्क्रीन पॉज कीजिए, ये क्वेश्चंस नोट कीजिए, ये आपको बनाने हैं, और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मुझे ये प्रश्न बना के भेजने हैं। इसमें आपको 4 तरह के नहीं बनाने हैं, ये जो प्रश्न हैं इन्हीं में सभी तरह के दिए हुए हैं, तो इसमें प्रश्न नंबर 1 से 3 तक अफर्मेटिव हैं, प्रश्न नंबर 4, 5 इंटरोगेटिव हैं, 6 और 8 ये हैं नेगेटिव, 7 और 9 ये हैं अफर्मेटिव, और 10 भी अफर्मेटिव है। अब देखिए अपना मेन टॉपिक जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखिए या तो एक प्रिडिक्शन होगी, जो हमने इसके प्रयोग बताए हैं उनके अनुसार हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अब देखिए पहले सेंटेंस में हमें यहाँ पर मिल रहा है वेरी सून, तो ये एडवर्ब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का,
यहाँ पर हमें बी की फॉर्म भरनी है, बी अपने आप में एक वर्ब है, तो हम यहाँ पे सी के साथ में पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और फिर ये जो जो भी यहाँ पे वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है, जो यहाँ पे इस ब्रैकेट में दी हुई है, इसको हम यथास्थिति विल के बाद में रख देंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ इस मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, इससे ज़्यादा हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। देखिए, सी विल बी हेयर वेरी सून। अगला सेंटेंस, इसमें भी हमें दे के बाद में विल का प्रयोग करना है, और उसके बाद में कम, इसको विल के बाद में रखना है। देखिए, दे विल कम एट 8 o'clock टुनाइट, क्योंकि यहाँ पे टुनाइट जो है वो एडवर्ब है। थर्ड सेंटेंस, इसमें एडवर्ब जो है वो है नेक्स्ट वीक, ये वाला एडवर्ब है, तो हम यहाँ पर भी यू के बाद में विल और फिर कॉल, यू विल कॉल मी नेक्स्ट वीक। फोर्थ सेंटेंस, इसमें भी देखिए ये एडवर्ब है नेक्स्ट मंथ, तो हम यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे आई विल कॉल, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। फिफ्थ सेंटेंस, एज सून एज पॉसिबल, इसका प्रयोग मेनली जो है या तो हम प्रयोग करते हैं इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, या फिर प्रयोग करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इम्परेटिव सेंटेंस में। इम्परेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं, और मेनली इसका जो यूज होता है वो बिजनेस लेटर्स या ऑफिशियल लेटर्स में होता है। प्लीज़ रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, प्लीज़ लुक इन टू द मैटर एंड गेट द नीडफुल डन एज सून एज पॉसिबल, तो वहाँ पर इन एज सून एज पॉसिबल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी हम यू के बाद में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, यू विल रिटर्न। अच्छा, देखिए सिक्स जो है वो एक प्रेडिक्शन है, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, जैसे कि रुचि विल विन दिस गेम, रुचि इस गेम को जीत जाएगी। सेवन जो सेंटेंस है वो एक्चुअली में एक पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी यहाँ पर मे बी से दर्शाई गई है, और इस कंडीशन में भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर भी हम वी के बाद में, वी एक्चुअली में हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है वी, ये जो मे बी है ये प्रिडिक्स हमारी पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है, तो वी विल स्टे एट होम, मे बी वी विल स्टे एट होम, हो सकता है हम घर पर ही रुकें। अगला जो सेंटेंस है इसमें यहाँ पर नेक्स्ट वीक दिया हुआ है। अगला सेंटेंस है नाइन्थ नंबर, इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर, तो ये एडवर्ब है सभी। टेंथ जो सेंटेंस है, देखिए वेट, वेट मींस इम्पेरेटिव सेंटेंस। जब कभी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है तो उसके बाद में मेनली या तो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये दो तीन ही टेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद में प्रयोग होते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। देखिए, वेट, रुको, इंतजार करो, आई विल डू दिस, मैं इसको कर दूंगा। इलेवेंथ सेंटेंस, टुमारो दिया हुआ है, और ट्वेल्थ इसमें दिया हुआ है द नेक्स्ट गेम, तो अगला जो गेम आने वाला है, अगला खेल आने वाला है, तो ये दोनों जो वाक्य हैं, दोनों जो शब्द हैं, टुमारो एंड नेक्स्ट गेम, ये दोनों ही फ्यूचर इंडेफिनिट को दर्शा रहे हैं, तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का, इसमें भी विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होगा। ये इनको आपको सब नोट डाउन कर लिए होंगे, ये कुछ सैम्पल एक्सरसाइज हैं, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा,
आप नोट डाउन करते जाइए। ये है क्वेश्चन नंबर वन, पॉज कीजिए और क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन। सेवनटीन क्वेश्चंस इसमें हैं कुल टोटल। इनके फोर आंसर्स आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं और इन्हीं में से आपको चूज करके किसी एक का प्रयोग करना है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो आप विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे और ध्यान रखना है कि इसके साथ में वही मिलता जुलता हुआ एडवर्ब होना चाहिए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।